आईपीएल 2020 के 8वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 142 रन का स्कोर खड़ा किया था। हैदराबाद की तरफ से टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 30 रन बनाए। वहीं जॉनी बाइस्टो 5 रन बनाकर सस्ते में आउट होकर चले गए। इनके अलावा मनीष पांडे ने शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं मोहम्मद नबी ने 11 रनों का योगदान दिया और पूरी टीम 20 ओवरों में 142 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 143 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभम गिल ने शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। इस पारी के दौरान गिल ने 2 छक्के और 5 चौके जड़े। वहीं नीतीश राणा ने 6 चौकों की मदद से 26 रन बनाए। इनके अलावा मॉर्गन ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की और 3 चौकों की मदद से 42 रन बनाए। शुभमन गिल और इयान मॉर्गन की शानदार बल्लेबाजी के चलते आईपीएल 2020 का 8वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और शुभमन गिल की बल्लेबाजी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।